जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। मैं आज एक हवर्थिया का एक प्लांट है जिसको प्रोपोगेट करने जा रहा हूँ, उसको रिपोर्ट भी करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इसके काफ़ी सारे बेबीज पप्स बने हुए हैं जिसको मैं अभी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, और आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। आपको मैं बताऊँगा कैसे इसको रिपोर्ट किया जाता है और कैसे प्रोपोगेट किया जाता है। ये देखें, इसमें इसके ये पप्स बन चुके हैं जिनको अलग करके मैं रिपोर्ट करने लगा हूँ। इनको आपने बड़े तरीके से अलग कर लेना है, इस तरह से जड़ें इसके साथ आप उतारते जाएं ताकि उसको ग्रो करने के लिए उसकी ऑलरेडी उसकी जो जड़ें बनी हों और उसको नई तरह से नए सिरे से दोबारा से ना बनानी पड़े। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बेबीज इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इस प्लांट पे काफ़ी लोड पड़ गया था, इसलिए मैं इसको अलग करने लगा हूँ ताकि वो प्लांट भी ठीक से ग्रो कर सके। जो एक्स्ट्रा इसमें पत्ते होंगे आप उनको अलग कर दें, मतलब जो गले ख़राब हो गए हैं, ताकि वो जो प्लांट है वो सही तरीके से ग्रो कर सके। अभी देखें इसमें छोटे से बेबी और भी बन रहे हैं, आपने उनको नहीं छेड़ना, आपने बस जस्ट अपने जो प्लांट है उसमें से एक्सेस जो वो पत्ते हैं वो उतार देने हैं और जो बेबीज हैं वो बस निकाल लेने हैं। ये देखिए जी, ये मेरा प्लांट बिल्कुल रेडी है। इसमें से और भी पत्ते बन रहे हैं, निकल रहे हैं, बेबीज भी निकल रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी बड़े हैं। इसको मैं इसी में पॉट कर दूंगा। ये देखिए जी, ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो गलती करते हैं, जो सकुलेंट और कैक्टस की वैरायटी को पानी ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रूट रॉट हो जाते हैं और वो प्लांट गल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। आपने उसका ख्याल रखना है, और आप अगर हाथ से नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी इसको आप लगा सकते हैं। वो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। मुझे ज़्यादा हाथ से काम करना पसंद है और ज़रा इजी भी रहता है, आप अच्छे तरीके से लगा लेते हैं।
अगर आपके हर्बिया प्लांट को या सैपलेंट को प्लांट कोई भी प्लांट है उसको कुछ मतलब अगर वो रूट आउट हो जाता है, आपको नज़र आए कि वो प्लांट ढीला पड़ गया है या नरम हो गया है, तो आप उसको निकाल के छाँव में या साइड पे कहीं रखते हैं, उसको 4-5 दिन के लिए उसे पड़ा रहने दें, वो खुद ब खुद उसकी जो रूट्स हैं वो सूख जाएंगी और वो दोबारा से ग्रो करने लग जाएगा। अदरवाइज़ वो अगर आप उसको उसी वक्त उस पर नोटिस नहीं लेंगे तो वो डेड हो जाएगा और उसका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अभी ये क्योंकि प्लांट छोटे हैं, मैं इसको इस वजह से इकट्ठे इसी में लगा रहा हूँ ताकि ये राम राम से ग्रो करेंगे तो मैं इनको अलग कर दूँगा। मदर प्लांट जो है मेरा, ताकि अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, इस वजह से मुझे सिर्फ ये बेबीज अलग करने पड़े हैं। ये देखिए जी, इसका प्रॉपरली ये पॉट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए जी माशाल्लाह, इसमें से काफ़ी सारे बेबीज आ गए हैं, इतना से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हवर्थिया प्लांट में डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं, उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, आप डिफरेंट वैरायटीज़ अपने शो के तहत मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी को परचेजिंग करनी है मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं अभी ऑनलाइन जैसे सेल भी करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दूसरों से फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।